तो आज नवरात्रि का सातवां दिन, सब लोग तैयार हो गए हैं। अरे पीछे देखिए, पीछे आया देखिए बिहार से। ओ बिहारी, ओ हेलो बोल। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है नीचे। पूजा की तैयारी हो रहा है। जाते पुष्पाणि मुद्रेताम कांडात कांडात प्रवहन्ति परुख परुखस्परु एवामुद्रवै प्रातनम सहस्त्रेण सतेन च ओम या मंगलानां शमनिं शमनिं दुष्कृतस्य च दुःस्वप्रणाश ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि शंभो कर्दम श्रियं वासयमि कुले मातरं पद्ममालिनीम। ये सब सिद्धियां हैं, आठ सिद्धियां होती हैं, ठीक है। सिद्धि माने ज्ञान, ठीक है। और काल रात्रि का सवारी क्या है जानते हैं ना? क्या काल रात्रि गधा पर सवार है? हाँ, गधा है ना। तो इसका मतलब ये है कि काल कौन होता है? रात है, अंधेरा है, तो अंधेरा को कौन खाता है? प्रकाश, ठीक है। तो अंधेरा का काल है प्रकाश, उसी तरह अज्ञान का जो काल है वो है ज्ञान, उसका प्रकाश बुद्धि है, ठीक है। तो गधा जो है सो अज्ञानी का प्रतीक है। जो गधा है, जो उसके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसके ऊपर काल रात्रि सवार रहती है, उसके ऊपर काल लटका रहता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है नहीं, तो वो गधा पर सवार है, ठीक है। और जिसको ज्ञान हो गया कि असली में काल रात्रि किसको कहते हैं, तो असली में काल रात्रि कहते हैं सरस्वती को, ठीक है। असली में काल रात्रि कौन है? सरस्वती। तो सरस्वती जब आ जाती है मस्तक पर, तो उसका जो धारण करने वाला होता है सो हंस हो जाता है। जैसे आप लोगों को अभी ज्ञान हो गया, तो अब आप लोग हंस हो गए, और बहुत लाखों ब्राह्मणों को जो रोज शंख फूंक रहे हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है। लाखों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि कालरात्रि कौन है, ठीक है। तो वो गधा ही बने हुए हैं, वो कालरात्रि को ढो रहे हैं गधा बन के। और जिनको ज्ञान हो गया कि कालरात्रि का मतलब क्या होता है, वो हंस बन गए, वो ज्ञान की तरफ चलेंगे, गुरु की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो उसी की पूजा है कि आज आज सरस्वती का प्रवेश होता है। पंडाल वंडाल में जो पूजा होता है ना, या कहीं भी जाएं पूजा करेंगे, तो आज सरस्वती का प्रवेश होता है। उसी को बोलते हैं पट खोलना। पट खोलना माने आंख बंद है, तो आंख को खोलना। आंख कैसे खुलता है? जब बुद्धि होता है, ठीक है। तो आंख खोलने को ही कहते हैं पट खोलना। बाकी तो मूर्ति मट्टी पत्थर का होता है, उसका क्या आंख खुलेगा? आंख खोलना है हम लोग भक्तों को, मनुष्यों को, ठीक है, कि कौन जो है तो पापी है, कौन धर्मी है, है? तो ये ज्ञान हो जाए तभी ना, किसी को आंख खुलना कहते हैं। जिसका आंख खुल गया वो तुरंत पापी को पहचान लेगा और धर्मी को पहचान लेगा। जिसको नहीं खुला हुआ है वो जो है सो कढ़ाई बना हुआ है, काल रात्रि को धो रहा है। और जो जिसको ज्ञान हो गया वो जो है सो हंस पर सवार हो गया, वो गुरु की तरफ चल जाएगा, ज्ञान की तरफ चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस पर अक्षत छोड़िए, अक्षत सफेद अक्षत छोड़िए, उसे छोड़ दीजिए, सोनाली बनाए। आठ सिद्धि होता है, ओम अणिमा सिद्धये नमः। अणिमा सिद्धि बोलते हैं जो संसार का सबसे छोटा भी कण है, उससे भी छोटा जब अपने आप को समझ लिया जाए तब अणिमा सिद्धि निकलती है। जब तक सबसे छोटा नहीं बनिएगा ना, तब तक सब सुना। पिता माँ दीर्घा वो भवंतु नहा बोलियो मधु ओम मधु ओम मधु तथा अमृत जलम समर्पया। किसी पंडित को नहीं आता है, ठीक है। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के और
दुर्गा जी का वो प्रणाम करूंगी। मुखे ते तांबूल नयन दिन चढ़ गया मैं और तेरी आरती बनावा सरवर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जय मेरी अम्बे कौन जगेगा सारी रात मंदिर आरती जय मां के मां ज्योता रानी मेरी अम्बे ज्योत जगे जी जय सोहे चोले वाली चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय बोल साचे दरबार की जय। बना लेना गाड़ी को इंगर तू घर पे घर बन रहा लेकिन डिलीट कर ले तोड़ दे एक हफ्ता पापा को बुला दो मम्मी बुला रही है।